अरे अरे ये सबका कंट्रोल नहीं है सीएस वाले चलिए चलिए आगे बढ़े। तो हेडिंग डाल लेना बच्चे, डिपेंडेंट ब्रांच। जैसा कि आपको पता था कि हमने ब्रांच में टोटल कितने टाइप्स देखे थे, वैसे तीन। एक कौन सा था? डिपेंडेंट एंड देन फॉर। ठीक है सर, डिपेंडेंट ब्रांच होता क्या? एक छोटी सी बात करता हूँ आपसे पहले, सबसे एक बेसिक बात। डिपेंडेंट ब्रांच वो ब्रांच होती है, तो डिपेंडेंट ब्रांच को ना मैं डीबी लिख रहा हूँ। डिपेंडेंट ब्रांच इज अ ब्रांच दैट डज नॉट मेंटेन इट्स ओन सेट ऑफ बुक्स। ये अपनी बुक्स खुद नहीं बनाती, मतलब इसको ये होता है भाई, ठीक है एक बस शॉप खुली हुई है, वहां मेन तो सारा काम कहां से चलेगा? हेड ऑफिस से। यानी कि क्या ये ब्रांच जर्नल एंट्री में डालेगी? नहीं डालेगी। क्या ये लेजर बना रही होगी? भाई जब जर्नल एंट्री नहीं है तो लेजर कहां से होगा, और ना ही ये डाटा। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर मान लो एडियो जंक्शन है और एडियो जंक्शन की पांच ब्रांचेस है, ठीक है, और मान लो वहां पे सिर्फ यही है कि भाई उधर कोई अकाउंटिंग अकाउंटिंग नहीं हो रही, क्या मैं हर ब्रांच का प्रॉफिट एंड लॉस जानने में इंटरेस्टेड होऊंगा या नहीं होऊंगा? हाँ ये मैं बोलूंगा कोई बात नहीं। या मैं इंटरेस्टेड होऊंगा कि कौन सी ब्रांच में ज्यादा फुटफॉल है, ज्यादा रेवेन्यू है, और कौन सी में कम है, जिसमें कम है उसको बंद कर सकते हैं, और जहां पे ज्यादा है उसको और बेटर कर सकते हैं। क्या ये एनालिसिस बैकएंड पे चाहिए होगा? नहीं चाहिए होगा, बिल्कुल चाहिए नहीं। तो जब मैं किसी ब्रांच को फोन करूंगा जो कि डिपेंडेंट है, क्या वो बता पाएगी मुझे? नहीं बता। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी बुक्स तो है ही, उसकी अपनी सेल तो है ही। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि सर अगर अपनी एंट्रीज नहीं है तो छोड़ दो उसको, ऐसे छोड़ दो मतलब। मेरे को ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस तो निकालना पड़ेगा। तुम सेकंड पॉइंट लिखेंगे, इट इज इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ सच डिपेंडेंट ब्रांच। भाई उसका एनालिसिस तो चलेगा ही भाई, आप ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते बेटे बात को कि भाई छोड़ो, ऐसे नहीं होता बेटे। और आपको मैं बताता हूं कि ये जो डिपेंडेंट ब्रांच है, ठीक है, इसका प्रॉफिट तीन तरीकों से हम लोग सीखेंगे, कैसे? तीनों से सेम आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आपकी डिपेंडेंट ब्रांच है, ले दे क्या बात का निकला सर, इसका प्रॉफिट लॉस कैसे निकालोगे? इसका अपना वो तो है नहीं। तो भैया तीन तरीके होते हैं डिपेंडेंट ब्रांच के प्रॉफिट निकालने के। सबसे पहला होता है बच्चे डेटर्स मेथड, जो कि हम आज कर लेंगे। दूसरा स्टॉक एंड डेटर्स मेथड, और तीसरा फाइनल अकाउंट्स। और अच्छी बात यह है कि अगर डेटर्स मेथड से इस ब्रांच का पीएनएल 100 आ रहा होगा, तो स्टॉक एंड डेटर से भी कितना आ रहा होगा बच्चे? 100 ही आएगा, और फाइनल अकाउंट से भी 100। मैं ये प्रॉफिट निकाल किसके ले रहा हूं? ब्रांच का है या मेन हेड ऑफिस का है?
नहीं मतलब ब्रांच डिपेंडेंट पे है, एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है, समझ रहे हो? तो मैं ब्रांच का प्रॉफिट और लॉस निकालू और वो एक किसी भी मेथड का ब्रांच का निकालोगे तो हो जाएगा। अच्छा सर, तो सर आज हम लोग कौन सा मेथड करेंगे बेटे? ले दे के आपका ना डेटर्स मेथड भी हो जाएगा और फाइनल अकाउंट्स मेथड भी हो जाएगा। ऑब्वियसली अगली क्लास की प्रैक्टिस तो चलेगी, बट कोशिश यही होगी दो क्लास में आपका खत्म हो जाएगा आज को, और अगली क्लास में हो सकता है सारी बातें डिपेंडेंट या खत्म हो। ठीक है, तो आइए हेडिंग लिखते हैं। सबसे पहला मेथड दैट इज डेटर्स मेथड। सर डेटर्स मेथड में क्या होगा? ओ भाई बहुत आसान है, मैं पहले आपको एक समराइज फॉर्म में बताता हूँ फिर उसको लिखेंगे। मान लो ये हेड ऑफिस है, सोच के देखो तुम, अगर एडयू जंक्शन को एक ब्रांच खोलनी हो, सोच के देखो, अभी एडयू जंक्शन का यही ब्रांच है और कोई ब्रांच नहीं है, ठीक है? अगर मान लो मुझे खोलनी हो, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि सर हमारा हेड ऑफिस किधर को है? कालका जी को। और मान लो एक ब्रांच हमने खोल ली किधर बोले, मान लो एक ब्रांच खोली हमने मालवे नगर, घर के पास खोल ली बेटी। तो आप मुझे बताइए क्या लग रहा है आपको, ब्रांच खोल क्या स्टेप्स उठाएंगे हम लोग? पहले जगह देखूंगा, जगह देख लूंगा, जगह फाइनल हो गई, ऑब्वियसली पैसे इन्वॉल्व होंगे, लैंडलॉर्ड को पैसे दिए जाएंगे, फिर उसके बाद वहां पे सामान लगेगा नहीं लगेगा? सामान लगेगा, चेयर्स लगेगी, एसी लगेगा, फ्रिज लगेगा, प्रोजेक्टर लगेंगे, कुछ खर्चा होगा। ये सारा खर्चा कौन उठाएगा? हेड ऑफिस, क्योंकि हेड ऑफिस ये देखिए जैसे मैंने बोला, अरे यहाँ पे 3 एसी लगे, एक काम करो एक एसी उतर दे, यहाँ पे 25 चेयर ज्यादा है, एक काम करो 25 चेयर उधर। देखो पैसा भी भेजूंगा उसको, ऐसा नहीं है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ का सामान भी वहां चला जाए और मैं उनको पैसे भी भेज दूँ और मैं उनको गुड्स भी भेज दूँ? गुड्स क्यों बोल रहा हूँ आपको, मान लो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ना होता, ऐसी कोई मेरी दुकान होती जो यहाँ से गुड्स जा रहे हैं, कपड़े की दुकान है भाई, शर्ट भेजते हैं, एक शर्ट का तो मैं जैसे आपने यहाँ पे देखा एक्सपोर्ट हाट खोला हुआ, तो एक्सपोर्ट हाट एक और खोलना, उससे कहा यहाँ का कुछ लड़वा मिले। सर आप ये सारी बातें क्यों कह रहे हो? मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर हेड ऑफिस कुछ भी कैश भेजता है ब्रांच, मान लो ब्रांच चल रही है, वो कह रहे सर पैसे चाहिए, मैंने कितने चाहिए? तो 15,000 चाहिए, मैंने ठीक है भेजवा। तो बोलते सर 2 एसी भी भिजवा दे, मैंने ठीक है भेजवा, सर 25 चेयर भिजवा दो। आप मुझे बताइए वो अल्टीमेटली जो ब्रांच में जो बंदा बैठा है, मैं क्या उसे बोलूँ खुद से अरेंज कर ले? फिर वैसे मैं नौकरी करने आ रहा हूँ, आपको जरूरत बता रहा हूँ ये चाहिए, ले आओगे तो ठीक है, मेरा क्या जा रहा है उसमें? नहीं, तो कहने का मतलब ये है, ये ब्रांच खुद से तो कुछ नहीं कर रही ना, इसको सारा का सारा सपोर्ट किसको करना पड़ेगा? हमें ही करना पड़ेगा, चाहे मैं यहां से सामान भेजू चाहे मैं इसको पैसा दे दू, मैं बोल ले भाई तू पैसा पाओ। तो बेसिकली जो भी एंट्रीज हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में होगी मैं उसी को सिर्फ रिकॉर्ड करूंगा। सर बड़ी अजीब बात कर रहा हूँ, कैसे रिकॉर्ड करोगे? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे सपोज करो, मान लो मैंने आपको कुणाल जी, मैंने आपको 1,000 रुपए दिए, ठीक है, कुणाल के डिपेंडेंट ब्रांच है मान लो, तो मैंने जब कुणाल को 1,000 रुपए दिए तो मैं क्या कुणाल को क्या बना दूंगा? मैं अच्छा डेटर बना दूंगा। इसी तरीके से मैं ब्रांच को जो जो देता जाऊंगा, मैं ब्रांच को डेटर बनाता जाऊंगा। मैंने उसको एसी भेजा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एसी। मैंने उसको कैश भेजा, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने उसको गुड्स भेजे, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू परचेज या टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। मैं उसे जो भी भेजूंगा, मैं तो ऐसा नहीं कर रहा हूं, उसके ऊपर फालतू का मिलता जा रहा है, उसका पूरा का पूरा शॉप भर गई, सारा सामान मैंने भेजे। अब आप सोच के देखिए, अगर कुणाल जी मैंने आपको 1,000 रुपए दिए और तूने साल के एंड में मेरे को बोला सर आपने तो 1,000 दिए थे ना, मैंने इसको 1,000 क्या चाहिए था? मैंने कहा कैसे कुछ पूछूंगा नहीं, तू क्या कर रहा है? साल के एंड में पूछूंगा क्या है तेरे पास, ठीक है, तू किसको सेल कर रहा है पर्ची में? छोड़ो ना उसको, मैंने इसको डेटर कितने से बनाया? 1,000 से। मैंने तो 1,000 दिया। मैंने कहा हाँ भाई कितना तेरे पास अब मेरे को देने के लिए है? कह रहा सर 1,500। मैंने कहा कैसे करेगा? स्टॉक मार्केट में डाल दिया। आप मुझे बताइए ये जो 500 रुपए है
या मैं इसको प्रॉफिट बोल सकता हूँ। मैं आपको टेटर बनाऊंगा 1000 से, अगर आप साल के एंड पे टेटर बन के 1500 से, मेरा प्रॉफिट हो गया है। बड़ा अनऑर्थोडॉक्स तरीका है, लेकिन ये फुल प्रूफ तरीका है। अभी आप डेवलप करते जाओगे, बट आप समझिए मैं आपको डेटर बना रहा हूं हर चीज से, क्योंकि जो जो चीजें मैं तुम्हें दे रहा हूं मैं तुम्हें डेटर बना रहा हूं, ठीक है। और एंड में अगर उसकी वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट, कम हो गई तो सर इसको थोड़ा सा बेटर वे में बताएंगे, बिल्कुल बताऊंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखने जा रहा हूं, अभी टाइम चलता जाएगा, आप एब्जॉर्ब करेंगे। तो हेड ऑफिस में अगर कैश भेजा ना बच्चे, तो जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूं, सबसे पहली चीज क्या मैं इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करूंगा? वैसे आपको मॉड्यूल में रिकॉर्ड करो दिखेगा नहीं, ठीक है, बट क्या मैं इसको रिकॉर्ड करूं? हाँ जी, क्यों? क्योंकि डेटर मेथड में हेड ऑफिस और ब्रांच की सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करा जाए, सुनते जाएगा। अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपके एंट्री डालोगे ब्रांच टू कैश, और ये होल्डिंग हेड ऑफिस रिकॉर्ड कर रहा है। होल्डिंग सबसे क्लियर है, अभी दिमाग में आपके सिर्फ होल्डिंग ही चल, बस मेरे को चेंज नहीं लग रहा थोड़ा सा, या सही है चल रहे, अच्छा चेंज नहीं लग रहा है। एनीवेज आप मुझे बताइए ये एंट्री क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, अगर हेड ऑफिस ने इसको एसी भेजा होता तो भाई ब्रांच टू एसी हो जाता ना। और अगर सर जी हेड ऑफिस ने इसको गुड्स भेजे होते तो ब्रांच टू गुड्स सेंड टू, सर ये क्या होता है? छोड़ो ना बेटे, अब वो सेल मान ले, सेल मान लो, क्रेडिट ही तो कर रहा हूं ना, ठीक है ना, मान लो 500 रुपए के गुड्स भेजे, अच्छा सर मैंने ब्रांच को कितने से डेटर बना दिया, अगर मैं सिर्फ इतना ही बोलूं, एक तो कैश दिया और गुड्स दिए, ब्रांच को डेटर कितने से बना लिया? 600 से। 600 से डेटर बन गया वो। आगे सुनना, अब आएगी सही बात। जो मैंने ब्रांच को गुड्स दिए, ब्रांच इन गुड्स का क्या करेगा? लेकर खाएगा, क्या कर देगा? सेल कर देगा भाई, मैं शर्ट भेज रहा हूं आगे बेचेगा वो, और उसने शर्ट या उसने सेल कर दी बेटे, किसको करी सर जी बताओगे? कस्टमर को कर दी बच्चे, सेल टू कस्टमर, तो C1 मान लीजिए। और मैं कह रहा हूं भाई साहब 800 रुपए की बेचती, फोकस रखना अपनी बात पर, छोड़ दो कैश वैश की बात। मैंने उसको एक शर्ट भेजी थी, कितने रुपए की भेजी मैंने उसे? 500, 500, 500 कॉस्ट टू कॉस्ट। हालांकि ये भी देखेंगे कि अगर मैं सीधा मार्जिन पे बेच दूं, दैट इज कॉल्ड गुड्स आर इशूड एट इनवॉइस प्राइस, वो बात नहीं चल रही, वो थोड़ी हाई लेवल है, अगली क्लास में चले। आप समझो कॉस्ट कितने? 500। मैंने बोला ब्रांच तेरे को एक शर्ट भेज रहा हूँ 500 की, कस्टमर आकर बेच दो, तो आप सोचिए हेड ऑफिस ने जब शर्ट दी तो मैंने एंट्री क्या डाल दी, अब ब्रांच ने उसको बेच दिया कितने का? सवाल ये है कि हमें कोई एंट्री पास करें, बेचा किसने? ब्रांच। क्या मैं कोई, क्या मैं इसको रिकॉर्ड करूं या ना करूं? आंसर जरूर नहीं होगा। आप लोग सर बहुत अच्छी बात है, कैसे प्रॉफिट है, छोड़ो ना उसको, अनऑर्थोडॉक्स तरीका चल रहा है कुछ। दिस एंट्री विल नॉट बी रिकॉर्डेड डिपेंडेंट, सॉरी डेटर्स मेथड में सिर्फ वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच। क्या ये ट्रांजैक्शन हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच की है? तो नहीं करोगे आप रिकॉर्ड, आपको कि प्रॉफिट कैसे आएगा नहीं बता सकता अभी आपको, 5 मिनट लगेंगे उसको बताने में। एकदम सही चल रही है बात, कहने का मतलब ये है ब्रांच के पास कितने रुपए आ गए? 800 पड़े तो होंगे, 800 भाई के पास, तो ऐसे ही बोल रहा हूं। उसने कहा सर 800 रुपए ले लीजिए आप, शाम खत्म हो गई, दिन खत्म हो गया, मैंने नंबर भेज दिया। सो ब्रांच हैज रेमिटेड मी, रेमिटेड, चलिए कितने रुपए भेज देगा बेटा ये? जस्ट ऐसी बोल रहा हूँ, फालतू की बात नहीं, छोड़ो क्या ही मतलब है बोलेगा।
अब मुझे बताइए, जब ब्रांच ने मुझे पैसा दिया, क्या मैं इसको रिकॉर्ड करूँ? दिस इज अ ट्रांजैक्शन विद ब्रांच इरिस्पेक्टिव, ये क्या पैसा है? आप इतना ट्रेन क्यों देते हो? आप सिर्फ एक ही चेक पॉइंट है, इज इट बिटवीन ब्रांच एंड हेड ऑफिस? इफ इट इज, वेयर टू पार्क है? और आप मुझे बता दीजिए, अगर भाई उसने मुझे कैश दे दिया तो भैया कैश आ गया तो कैश में डेबिट कर दूंगा और मैं ब्रांच को क्या कर दूंगा? अरे मैं क्रेडिटर बना दूंगा भाई, क्रेडिटर कम, डेबिट बैलेंस कम कर दूंगा, दे दिए इतना पैसा मुझे। कहिए साहब, यहां तक कोई दिक्कत? ऑल क्लियर है? मेन लाइन बस लिखेंगे, फॉर्मेट बनाएंगे, आपको इंटेंशन आ चुकी है, बट अभी कई कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन में होंगे, ठीक है? इसके नीचे नोट डालिएगा बच्चे, नोट नंबर 1। इन डेटर्स मेथड, इन डेटर्स मेथड, ट्रांजैक्शंस दैट अकर, ट्रांजैक्शंस दैट अकर बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच विल ओनली बी रिकॉर्डेड, विल ओनली बी रिकॉर्डेड बाय द हेड ऑफिस। नेक्स्ट लाइन लिखना होता है इसी में, नोट नंबर 2 नहीं है इसी के अंदर। नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, इफ गुड्स आर सोल्ड बाय, इफ गुड्स आर सोल्ड बाय ब्रांच टू कस्टमर, ब्रांच टू कस्टमर कॉमन, इसको रिकॉर्ड करूं या ना करूं? इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड बिकॉज इट इज नॉट बिटवीन, बिकॉज इट इज नॉट बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच। इसी बेस पे पूरा डिपेंडेंट खत्म हो जाएगा आपका, सॉरी डेटर्स में खत्म। सर लेकिन आप प्रॉफिट कैसे निकालोगे? सर ये तो आपने हमें याद करा दिया, ठीक है ऐसे चल रहा है, ये सिस्टम है नहीं। आइए अब हम बनाते हैं डेटर्स मेथड में, क्योंकि मैं, वो जो ब्रांच है, जो भी मैंने ब्रांच खोली मालवीय नगर में, उसको क्या मान के चल रहा हूं मैं? डेटर, डेटर है ना, डिपेंडेंट ब्रांच के अंदर ही डेटर मान, तो वो डेटर ये है। जैसे आप ये कह सकते हो, मान लो सर उस ब्रांच का नाम ब्रांच ए हो गया और इधर को है जी वो मालवीय, एंड द नेचर इज एब्सोल्युटली लाइक डेटर, यानी कि अगर मैं उसको डेबिट करता जाऊंगा, आपको यहाँ डेबिट साइड पे दिखने लग जाएगा, वो जो मुझे पैसे देता जाएगा वो क्रेडिट भी होता जाएगा। कैसे होगा सर? जैसे सपोज करिए, मान लो अभी अभी कौन सा साल खत्म हो गया बच्चे, 23-24, तो मान लीजिए दिस इज 23-24 एंड मैंने न्यूली ओपन ब्रांच नहीं है, वो पहले से चल रही है, ठीक है? न्यूली ओपन भी दिखा सकता हूँ आपको, लेकिन पहले से इसलिए चल रही है, वो फॉर्मेट पूरा कंप्लीट कर मत पाए। हाँ मुझे बताइए, साल शुरू हुआ, ठीक है, 1 अप्रैल मान लो, 1 अप्रैल 23, क्या उसके पास बहुत सारा सामान पड़ा नहीं होगा? जब साल शुरू हुआ, क्या वहां पे 5 लाख का फर्नीचर नहीं पड़ा हुआ? क्या उसके पास ऑलरेडी कैश नहीं पड़ा होगा? क्या उधर एसी, प्रोजेक्टर, क्या उसके पास ऑलरेडी 10 लाख के एसेट नहीं पड़े हुए बिगिनिंग ऑफ द ईयर में? तो वो उतने से डेटर है मेरी भाई, उसके पास वो सामान तो पड़ा, वो मेरा है, मैंने भेजा है, सो दैट ब्रांच इज माय डेटर, समझ रहे हो? तो बेसिकली आप सबसे पहले लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि उनके पास जो जो पड़ा है, दैट इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर, मतलब वो डेटर है मेरे इतने से। जैसे कि सर हो सकता है बेटे कैश पड़ा 100 रुपए का, तो मैं तो यही बोलूंगा ना, 100 रुपए पड़े हैं तेरे पास, तू डेटर है। हो सकता है वो जब कस्टमर को बेचती है, वो जो ब्रांच है, तो उस ब्रांच के डेटर्स नहीं होंगे, ये एसेट है भाई। सर जी अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी है, सर जी
सर अगर कोई स्टॉक पड़ा हुआ है, कहने का मतलब ये है अगर वो बिल्डिंग भी वो यूज कर रही है और मैं मालिक हूं। वैसे बिल्डिंग बिल्डिंग डालने का भी आप ऐसे कंफ्यूज हो गए, स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर। किसकी प्लांट एंड मशीनरी बात कर डेटर्स। साल शुरू हुआ, मैंने कहा हाँ भाई ब्रांच कितना कैश पड़ा वहां पे, हिसाब दे, तेरे से 100 रुपये कैश पड़ा। अच्छा मैंने कहा तुम्हें पार्टी से कितना पैसा लेना है, तेरे 500 रुपये लेना है। अच्छा ठीक है। मैंने कहा प्लांट एंड मशीनरी बता कितनी बड़ी है, 1000 रुपये की बड़ी। स्टॉक बता कितने का पड़ा, वो 2000। फर्नीचर बता 1000। उतने से डेटर है वो, गायब नहीं हो जाना चाहिए वो सामान। अब समझ रहे हो मतलब क्या कह रहा हूँ मैं डेटर बना दी। और आप मुझे बता दीजिए, वैसे तो मैं यहाँ पे लाइबिलिटी भी लिख सकता हूँ, अगर उसने कोई लोन ले रखा है तो ऑब्वियसली भाई वो मेरे बिहाफ पे ही है, तो क्रेडिट साइड पे लिखूंगा। पर अभी उस कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाएंगे, कोई पॉइंट में आएगा भी नहीं वो। अब आप मुझे बताइए, जब साल एंड होगा 31 मार्च 2024 तो क्या लिखूं बच्चे, बाय बैलेंस क्या है, बिकॉज उसके जो भी एसेट्स हैं वो मेरे हैं, वो क्लोजिंग बैलेंस है ना। तो उसके पास कितना कैश पड़ा हुआ है, डेटर्स कितने के हैं, प्लांट एंड मशीनरी कितने का है, स्टॉक कितने का है, फर्नीचर सर। ये अकाउंट से आप अल्टीमेटली क्या निकाल लोगे बेटे, प्रॉफिट निकाल रहा हूँ। आप आपको एग्जाम्पल दूं कैसे निकाल दूंगा। मान लो ये ब्रांच है, इसके पास कुछ नहीं पड़ा था, खाली पड़ी है ब्रांच, 100 रुपए कैश पड़ा था, पूरे साल कोई धंधा नहीं हुआ इस ब्रांच से, ना कोई सेल हुई, ना मैंने कुछ भेजा, मैंने पूछा तक नहीं इस ब्रांच को, पूरा साल डेड है। तो आपके हिसाब से क्लोजिंग कैश भी कितना होगा, बिकॉज अज्यूमिंग नो रेंट, नो वाईफाई, नो इलेक्ट्रिसिटी, जीरो ट्रांजेक्शन, तो ओपनिंग कितना था, 100 कैश, क्लोजिंग कितना है, 100 कैश, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस, जीरो। तो बेसिकली जस्टिफाई एक बहुत ही बेसिक लेवल पे तो हो गया ना, ठीक है। अच्छा दिमाग लगवाता हूँ आपका सर, मान लो फर्नीचर भी पड़ा होता, एग्जैक्ट 1000 रुपये का फर्नीचर, मैं कह रहा हूँ भाई पूरे साल कोई काम नहीं हुआ, बट डेप्रिसिएशन तो लगेगी वहां, फर्नीचर पड़ा है डेप्रिसिएशन तो लगेगी, मान लो 10% है, कितने का खर्चा आ गया, 100 रुपए मेरे को नहीं करने वाला। क्यों सर, इज इट बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच, नो, बट जब मैं इसको बोलूंगा ए भाई फर्नीचर कितने का, 900 दिखाएगा नहीं दिखाएगा, आप मुझे बताइए लॉस आ गया नहीं। और आप यहाँ पे बाय नेट लॉस लिख दो 100। हम बोलोगे सर ऐसे तो हमने परचेज करा होगा, सारे कन्विंस कर दूंगा, हम लोग छोटे छोटे पॉइंट से कन्विंस हो गए भाई। तो बेसिकली मैंने कोई डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं डाली, और मैं इसलिए कह रहा हूं, आप मुझे बताइए क्या डेप्रिसिएशन की एंट्री डालना हमने बेस बनाया है इस बात को, नहीं बनाया है। क्यों, इज इट बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच, नो इट्स नॉट, बताइए क्लियर है बच्चे। तो मैंने ओपनिंग और क्लोजिंग लिखा, बहुत अच्छी बात है सर। सर अब आप एक बात बताओ, अगर हेड ऑफिस इसको गुड्स भेजे तो मैं एंट्री डालूंगा, क्या एंट्री डालूंगा, गुड्स सेंट टू ब्रांच, ओके गुड्स सेंट टू ब्रांच, और अगर ब्रांच ने खुद परचेज करा होता तो मैंने नहीं भेजा, मार्केट से खरीद लिया, क्या मैं इसको रिकॉर्ड करता, अगर ये खुद परचेज कर दी तो मैं रिकॉर्ड नहीं करता। इसका मतलब अभी ये चीज मैं बोल तो सही है, बताइए यहां तक क्लियर है, तो वो परचेज करके तो मैं रिकॉर्ड नहीं करता। अच्छा कुछ एक्सपेंस हुआ ब्रांच का, ब्रांच ने कुछ खर्चा करा, बिजली का बिल आया, मैंने कहा ठीक है मैं पे कर दूंगा,
मैं क्या एंट्री लूं? ब्रांच टू कैश। अगर तो बेसिकली ब्रांच टू कैश आप ये कह सकते हो, ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय। ओके, और अगर ब्रांच ने अपना खर्चा खुद ही पे कर दिया होता अच्छा तो यहां आता नहीं है। अब बोलूंगी सर, मतलब टेक्निकली अगर मैं देखूं तो सोचना एक बार, ठीक है। मान लो ब्रांच के पास कितने रुपए थे बेटे? 100 रुपए, और ना 30 रुपीज का एक एक्सपेंस था, 30 रुपीज, ओनली 30। ब्रांच ने फोन करा सर 30, मैंने कहा भाई तो पड़े ना 100 रुपए पहले, फिर जब से मेरे को अंदर मैं क्यों पे करूं? मान लो अगर मैं पे करता तो क्या एंट्री डालता? तो अच्छी बात बोलने जा रहा हूं, मान लो मैं डालता एंट्री, उनसे बोला सर 30 रुपीज का एक्सपेंस है सर, मैंने कहा ठीक है मैं पे कर दूं, तो आप मुझे बताइए मैंने क्या एंट्री डाली? ब्रांच टू कैश कितने रुपए? 300 रुपए। ध्यान से देखिएगा, और कुछ नहीं है, ओपनिंग बैलेंस ब्रांच का 100 पड़ा था, उसे फोन करा पेमेंट करो, मैंने कहा कर दी। अब मुझे बताइए इसका क्लोजिंग बैलेंस कैश का कितना है? 100 ना, मैंने पे कर दिया ना। प्रैक्टिकली सोच के देखो, ब्रांच के अकाउंट में डायरेक्ट मैंने पे कर दिया ना, हाँ तो उसके बाद तो 100 का 100 ही है, ठीक है 100 का 100 ही है। आप मुझे बताइए क्या आपका प्रॉफिट ठीक आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, क्यों? क्योंकि तुम्हारा मान लो कोई रेवेन्यू नहीं है तो लॉस कितने का आ गया? छोड़ो ना सेल वेल को, आएगा ना 30 का अपने आप लॉस। और अगर मैंने उसे बोला होता ये उससे पे कर ले रे, तो भाई उसका कैश कम हो जाता और 30 का प्रॉफिट, फिर दोबारा लॉस इंपैक्ट आ जाता। तो चीजें चल तो सही, ये अगर आप पे कर दो अल्टीमेटली मैं प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रहा हूँ, तो ठीक कनेक्ट हो रही है बातें, क्योंकि यहाँ पे एसेट और एसेट लिखी है, क्योंकि कभी कभी मूवमेंट ऑटोमेटिकली एसेट की रिडक्शन की खर्चा रिकॉर्ड कर ही रहा है, ठीक है बच्चे। अब आप मुझे बताइए ₹100 था, मैंने जस्ट ब्रांच को बोला कि थोड़े से पैसे रख ले यार, जरूरत होती है यार, तो मैंने उसको ₹500 भेज दिया, क्या एंट्री डाला? ब्रांच को कैश। तो जस्ट ऐसे ही मैं बोल रहा हूं, मैंने उसको कैश भेज दिया, कितने रुपए भेज दिए? 500। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हो सकता है सर? और मान लो कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुई जिंदगी में, अब उसका कैश कितना आ रहा होगा? कोई प्रॉफिट और लॉस रिकॉर्ड हो रहा है? जब कोई खर्चा नहीं हो रहा तो प्रॉफिट लॉस कैसे रिकॉर्ड हो जा रहा है? तो भाई सिस्टम तो सही चल रहा है, अगर सिस्टम तो सही चल रहा है बेटे। एक और चीज पूछ लेता हूं, अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता जाऊंगा आपके दिमाग में। मान लो उसका 700 का स्टॉक है, 700 का स्टॉक था, उसने कुछ भी नहीं बेचा, तो उसका क्लोजिंग भी क्या हो गया? नो प्रॉफिट नो लॉस। जिंदगी में सामान पड़ा था, साल के बिगनिंग में 700 पड़ा था, एंड में पूछा कितना? 700 आया, प्रॉफिट लॉस ही नहीं। उसने कहा सर जी मैंने बेच दिया 700 के 700 का बेच, मैंने कहा बहुत अच्छी बात करी थी, मेरा स्टॉक कितने से गिरेगा? ना ना, सोल्ड इट। हाँ स्टॉक तो जीरो हो गया, मैंने कहा कैसे बेचा बाबा? कह रहा उधारी में बेच, ना 1000 की सेल करी ना कॉस्ट 700, सेल कितनी करी? अगर आ गया प्रॉफिट 300 रुपए का रिकॉर्ड, ये जो नेट प्रॉफिट है आ गया 300। और अगर वो मुझे कहता सर जी सारी की सारी सेल कैश में करी तो मेरा कैश बैलेंस बढ़ जाता, आ जाता मेरा प्रॉफिट। और अगर वो मुझे कहता कि सर 600 कैश और 400 डेटर्स, एक ही तो बात है ना सर, और अगर वो 400 रुपए अगर डेटर उसको पे कर दे तो कैश बढ़ा दूंगा, एसेट ही तो मूव कर रहा है, डेटर खत्म कैसे होगा? कैश ही तो आएगा, आपका दिमाग और चलवा दूंगा अभी मैं। अगर डेटर ने पैसे ही नहीं दिए तो हमारी सुन लेना, 700 रुपए के गुड्स आए, मैंने 1000 के बेच दिए, मैंने बेच दिए 1000, ठीक है 600 की कैश 400 के, पहले तो यहां तक स्टार्ट।
200 रुपए बैड डेट हो गए सर, 400 में से ना अब मैं इसको खत्म कर देता हूं, 200 ऐड कर दिया और जो डेटर है कितने करेंगे, 200, पर वो पैसा देंगे नहीं सर, तो मेरे डेटर कितने के हो गए, 0। आपने प्रॉफिट कितने कर, क्योंकि वैसे तो तुम्हारा 300 का प्रॉफिट था, पर अगर 200 रुपए डूब गए तो प्रॉफिट तो 100 का ही रह जाएगा। अब देख रहे हो इम्पैक्ट अपने आप आ रहा है, तो हम लोगों को यही करना पड़ेगा बच्चे। मैं आपको अभी इसलिए कन्विंस कर रहा हूं कि जब आप क्वेश्चन करोगे आप कन्विंस हो कि हाँ भाई चीजें सही चल रही है, ठीक है। अच्छा एक चीज, छोटी सी चीज, मैंने उसको उसके पास ऑलरेडी कितने रुपए का स्टॉक था बच्चे, 700, उसने बेच दिया कैश में, बहुत अच्छी बात है भाई, 1000 प्रॉफिट दिख रहा है आपको। अगर उसने ये 1000 सारा का सारा मुझे दे दिया तो, अच्छा फर्स्ट थिंग ही हैज सोल्ड फॉर 1000, विल आई रिकॉर्ड इट, नो सर, अगर रिकॉर्ड नहीं करे तो यहाँ के शहर बैठे रफ में चल रहा है, ठीक है ना, ये सारा काम क्या चल रहा है रफ में, देखो कैश कितना पड़ा होगा, 1000 पड़े। उसने कहा सर पैसे ले जाओ अपने, मैंने क्या करना इसको रख के, तो आप मुझे बताइए जब मेरे पास पैसा आएगा तो मैं क्या एंट्री डालूंगा, कैश टू ब्रांच, और योरा आपका ब्रांच अकाउंट, ये कैश आ रहा है, ये सेल्स नहीं है ये रेमिटेंस है, अगर उसने 1000 में से मुझे 500 दिए होते तो मैं ऊपर 500 लिखता, इट्स नॉट अबाउट सेल्स, इट्स अबाउट ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड हेड ऑफिस, पैसे का लेन देन है। तो बेसिकली मान लो उसने मुझे 1000 रुपए दे दिए, तो बेटे यहां से तो कैश गायब हो जाता, फिर भी आ गया प्रॉफिट 300। अब समझ गए ना, मैंने आपको समझा दिया स्ट्रक्चर्ड लेवल पे, कि ले दे के आप ओपनिंग एसेट, क्लोजिंग एसेट, गुड्स की मूवमेंट, डेप्रिसिएशन, ये सब चीजों का इम्पैक्ट अपने आप पड़ रहे हैं, कहिए साहब क्लियर, गुड। तो बस बेटे फॉर्मेट ऑलमोस्ट हमारा डन ही है, ये रेमिटेंस हो गया, अगर वो गुड्स वापस कर देगा मुझे, जैसे जब मैं गुड्स भेज रहा था तो मैं क्या डाल रहा था, डेटर्स टू गुड्स एंड टू ब्रांच, पर अगर वो वापस कर देगा गुड्स तो रिवर्स कर दूंगा ना उसे, तो यहां पे क्या लिख दूंगा, बाय गुड्स एंड टू ब्रांच, अगर वो रिटर्न कर दूंगा गुड्स सेंट टू ब्रांच ये गुड रिसीव एक लेजर वो डेबिट कर रहा है, वैसे सेंट टू ब्रांच ही लिख रहे होते हैं बट अब रिसीव भी लिखते हो, कोई गलत नहीं है, ठीक है दोस्त, ओके। ठीक है हो गया, बोल दिया ठीक है। अब आप मुझे बताइए जो बैलेंसिंग फिगर आएगी ना बच्चे वो क्या आ जाएगा, अगर इस साइड आ गया तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट, और अगर इस साइड आ गया, वैसे मैं ऊपर लिख रहा हूँ भी देख लेंगे कैसे करना है इसको, नेट प्रोसेस में आ नहीं रहा होता, पर आप ऑब्वियसली सबसे नीचे लिखा जाता है बट बैलेंसिंग फिगर, या तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा नहीं तो आपका लॉस आ जाएगा, समझ आ गई आपको इंटेंशन। चलिए अब आपके सामने क्वेश्चंस भी आएंगे बच्चे। अच्छा एक दो चीजें, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो अभी, जस्ट इसके साथ साथ ना जब अभी आप क्वेश्चन करोगे तो आप रियलाइज करोगे कि वर्किंग नोट्स बन रहे होंगे, मालूम है क्यों, क्योंकि डेटर्स की कहानी तो मैं बहुत कॉम्प्लिकेट कर सकता हूँ, इतने की सेल, इतने का बैड डेट, इतने का डिस्काउंट, समझ रहे हो, काफी चीजें डल सकती हैं, तो जस्ट एक डेटर के लेजर में क्या क्या आता है बच्चे एक बार बताओगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, यहाँ क्या आ जाएगा बैलेंस करंट डाउन, और अगर डेटर को मैंने सेल करी है, ब्रांच ने करी है ना, मैं जर्नल एंट्री डाल रहा, पर खाता तो बनाना पड़ेगा मेरे को उसका, तो जो भी क्रेडिट सेल करेगा तो डेटर टू सेल्स, अगर कुछ पैसा डूब गया बाय बैड डेट, अगर आपने कुछ डिस्काउंट दे दिया तो बाय डिस्काउंट, अगर उसने आपको बिल रिसीवेबल बना के दे दिया तो बाय बीआर, ये किसी में आएगा नहीं बट वैसे ही आपको लेजर की नॉलेज दे रहा हूं, और जो बच गया बेटे उसको मैं क्या मान लूंगा ऑब्वियसली कि वो मेरा क्या आ गया है, कैश रिसीव, प्रोविजन प्रोविजन कभी भी डेटर के लेजर से नहीं होती दोस्त, प्रोविजन की एंट्री होती है पीएनएल टू प्रोविजन, आप उसे दिखाते हो फाइनल अकाउंट में डेटर में से माइनस करके, पर
पर डेटर का लेजर इंपैक्ट नहीं होता क्योंकि मुझे पता नहीं होता वो कौन सा डेटर है जो पैसे नहीं दे रहा, समझ रहे? क्लियर है बच्चे? चलिए इसको नोट कर लो भाई साहब, मैंने जो बोलना तो बोल दिया, क्वेश्चन हैंडल करेंगे। कैरेट डाउन और ब्रांच को देगी तो ऊपर हाँ देख, ये जो तेरा आएगा ना, ये तेरा किधर गया? डेटर का बैलेंस बन गया ना, और ये जो है ये ये तो और ऊपर वाला तेरा डेटर का बैलेंस है। ऐसी फर्नीचर वर्नीचर का भी बन जाएगा वो तो डेप्रिसिएशन ही आएगा, छोटा सा पॉइंट होगा। नोट करिए बच्चों ने, इसे ऑफ कर दो, पीछे वाला चल रहा है ना। हाँ ये वाला मतलब चल रहा है ना, कूलिंग कर रहा है ना, क्या हो रहा? नहीं, फ्रेंचाइजी क्या होती है मैडम? फ्रेंचाइजी ना एक जिसके अगर ब्रांड बन जाती है, जैसे आपने देखा था ना एमबीए चाय वाला, देखिए वो उसकी ब्रांच नहीं होती, वो कहता है कि तुम मेरा बोर्ड लगा सकते हो क्योंकि मेरी ये प्रेजेंस हो चुकी है तो लोग सीधा आ जाते हैं, और दूसरा मैं तुम्हें कैसे बनती है वो सारे फॉर्मूले बता दूंगा, उसके मैं 25 लाख लूंगा, उस पर तुम्हारा चले ना चले तुम्हारा लॉस। फ्रेंचाइजी यस, मेरा ब्रांड वैल्यू हो गया, मैंने ब्रांड बेच दिया। जैसे हल्दीराम्स है, हल्दीराम्स की फ्रेंचाइजी, सारे हल्दीराम्स ओन्ड थोड़े है, सारे के सारे हल्दीराम की फ्रेंचाइजी हो गया बस 1 करोड़ है। तो हल्दीराम का ये है कि ऐसा ना हो ना कि छोटी सी गली में खोल दिया आपने हल्दीराम, उसका ब्रांड वैल्यू गिर जाती है, तो उसकी रिक्वायरमेंट होती है मेन मार्केट होनी चाहिए, तो कई कंडीशंस लगाएगा हल्दीराम, ठीक है? और तब वो आपको मतलब आप उसे पैसा दे रहे हो, फिर आप ही ऑपरेट कर रहे हो वो चीज ना। ब्रांचेस योर ओन प्रॉफिट ओन लॉस, ब्रांच होती है। फ्रेंचाइजी वाला तो अपना खुद कर रहा है, और मतलब जैसे मान ले मैंने फ्रेंचाइजी ले ली हल्दीराम्स की, तो मैं अपनी सेल, वो जो सेल होगी मेरी सेल है, हल्दीराम्स की नहीं है। हल्दीराम के कई आउटलेट खुद के होंगे जो बिक रहा है वो सेल रिकॉर्ड कर रहा है, और 100 आउटलेट हो सकते हैं जहां से उसे फ्रेंचाइजी इनकम आती है। आइए साहब शुरू करते हैं बात को। एक्सक्यूज मी सर, अभी सर मेरे को पूछना था टैक्स कब स्टार्ट होगी? तो वन ठीक है सर। ऑफ वन एक बार ना फॉर्मेट देखना बच्चों, पहले ये देखो ब्रांच का, ये जो हमने बनाया है परफॉर्मा ब्रांच अकाउंट, ओपनिंग लिख दिए पहले सारे के सारे, गुड सेंड टू ब्रांच, और उसके बाद जो भी खर्चे करे मैंने ब्रांच के लिए टू कैश करके बाय क्रेडिट कर दिया, सैलरी दे दिया, रेंट दे दिया, बिजली का बिल दे दिया, ठीक है? और यहाँ पर क्या आ गया, कैश लिमिटेड दिख रहा है, रिटर्न्स आ गए, क्लोजिंग बैलेंस आ गया, प्रॉफिट और लॉस सेट है कहानी। एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है, वैसे तो ये इतना मैं ना भी सिखाता तो भी तुम सीधा बता सकते हो, बट एक बार आएगी बना लेते। क्या बोल रहे बच्चे, ये एक्सपी लिमिटेड ओपन अ ब्रांच एज दिल्ली एंड गुड्स सेंड, गुड्स कॉस्टिंग 50,000। अगर मैं बेसिक भी समझू, एक ब्रांच खोली और कितने गुड्स भेजे हैं उसे, 50,000 टू दिल्ली ब्रांच, एंड दिल्ली ब्रांच सोल्ड दी एंटायर गुड, बहुत अच्छी बात है, सब भेज दिया भाई ने, उधारी पे भेज दिया 62,000, 62,000, नो अदर ट्रांजेक्शन अकर्ड एट द ब्रांच। आप मेरे को बताइए, छोड़ो ना ये डिपेंडेंट, कितने का प्रॉफिट है? 12,000। देख तो 50 की चीज थी, 62 की भेज दी, अब उसको साइंटिफिक तरीके से करना है बस, क्या कर रहे हैं? मैंने जब उसको गुड्स भेजे तो मैं क्या एंट्री डालूंगा, ब्रांच टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पहले ओपनिंग तो कुछ है नहीं अभी, तो ब्रांच टू गुड्स सेंट टू 50,000, और आप मुझे बताइए उस ब्रांच के डेटर्स कितने के अभी, उधारी पे बेचे हैं 62 लिख दिया बेटे वहां पर, अपना 12,000 रिकॉर्ड आ गया। स्टॉक नहीं लगाएगा ना ये, कुछ वैल्यू आएगी जब सब बिक गया है, और अगर मैं आपको बोलता 50% बिका है तो
एज्यूमिंग 50% ऑफ द स्टॉक इज सोल्ड फॉर 62,000, प्रॉफिट बहुत ज्यादा आता फिर, क्योंकि फिर 25,000 का स्टॉक भी बचा होता, समझ रहे हो? तो स्टॉक 25,000 देता करती, कहीं क्लियर है सर? नेक्स्ट एग्जाम्पल भैया, 50,000 के गुड्स है, कितने के बेच दिए? सो एक तो एंटायर और कैश में बेच दिया, एंड ब्रांच पेड एक्सपेंस ऑफ 8,000, हेड ऑफिस में देगा ब्रांच में देगा, नो अदर ट्रांजैक्शन। तो सोच के देखिए, गुड सेंड टू ब्रांच आ गया पहले 50,000, जो मेरा क्लोजिंग कैश है, वैसे तो 70,000 होना चाहिए था, पर मैंने 8 का खर्चा कर दिया ना, मैंने तो वो ऑटोमेटिकली खर्चे का रिकॉर्ड हो गया अपने, तो आपका प्रॉफिट कितने का आ गया? 12। हालांकि वैसे आपको क्या दिख रहा था, 50 की चीज 70 में 20 का प्रॉफिट, पर फिर 8,000 का खर्चा तो 12 ही आना चाहिए था, 12 ही आ रहा है, बस उसको हम एक सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड कर रहे हैं थोड़ा सा, क्लियर है जी? तो ये अगले पे चले फिर, ये वाला बना दो एक बार, चलो देखते हैं क्या बना हो, थोड़े से डेटर वेटर की भी बात आ जाएगी इसमें। कितना रहे? 19,000, 19 है ना? क्या करेगा सबसे पहले तो, बुक्स ओपनिंग बैलेंस है कुछ, ओपनिंग बैलेंस ठीक है, पर इन्होंने क्या कर दिया, ओपनिंग को 10,000 दिखा दिया फर्नीचर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एंट्री तो आपने फिर भी वो ब्रांच टू फर्नीचर डालोगे तो 10,000 का इम्पैक्ट तो आ ही रहा है, इन्होंने ओपनिंग मान ली है, ठीक है, और क्या करा, गुड्स सेंट टू ब्रांच, इसकी क्या एंट्री हो, ब्रांच टू गुड सेंड टू ब्रांच, तो आपको डेबिट साइड पे दिख रहा होगा 50,000 दिख रहा है, देन क्रेडिट सेल्स एट ब्रांच, ऐसा करने से वो डेटर बन जाएगा मेरा 62,000 से, और पैकेट्स कितने के 1,000, और क्वेश्चन इतना अच्छा है कि नीचे क्लोजिंग दे ही रखा है 61, तो कह सकता हूँ क्लोजिंग डेटर कितने आ जाएंगे बेटे मेरे, 61, ये समझ आ गया सबको 61, और क्या दिया हुआ है, फर्नीचर 8,000, तो और क्या है, क्लोजिंग स्टॉक है जी 10,000 का, अच्छा जी डाल दिया, कुछ रह गया और खत्म, में नेट प्रॉफिट आ जाएगा, तुमने ओपनिंग और क्लोजिंग एसेट्स लिखे और जो भी ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड, ठीक है।
अब हम लोग एक बड़ा क्वेश्चन लेंगे और आप ही से सॉल्व करवाऊंगा, और ये क्वेश्चन है पूरा और डेटर्स भी बन रहा है और चलो आइए। आइए आराम से पढ़िएगा बच्चे, अगर ये क्वेश्चन हो गया तो डिपेंडेंट बस हमारा ऑलमोस्ट 80% डन है। ठीक है आइए बढ़ते हैं, अभी कुछ नोट नहीं करेंगे, आप ही से कराऊंगा, एक पॉइंट पे अटकोगे, हमारा डिस्कस करूंगा। पहले हम पूरा फोकस करेंगे जर्नल एंट्री, खुद ही अभी ओरली कर लेंगे। बकिंगम ब्रदर्स बॉम्बे हैज अ ब्रांच इन एट नागपुर। भैया पहली बात तो ये है, ब्रांच किधर है? नागपुर में। बहुत अच्छी बात। दे सेंड गुड्स एट कॉस्ट टू देयर ब्रांच, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये लिखा होता ना कि मैं इनवॉइस प्राइस पे बेचता हूं तो कहानी बदल जाए। आप देखोगे आगे के क्वेश्चन में तो ये कह रहा है कि हेड ऑफिस के लिए जो कॉस्ट है वही कॉस्ट, वो कॉस्ट टू कॉल भेजता है, मतलब वो जिस 100 की है तो मैं 100 पे भेज रहा हूँ कि मैं उसे 100 से डेटर बनाता हूँ बंदे को। ठीक है, हाउएवर डायरेक्ट परचेजेस आर ऑल्सो मेड बाय द ब्रांच फॉर विच पेमेंट्स आर मेड बाय हेड ऑफिस। मतलब वो जाके अगर बाहर से परचेज कर पेमेंट तो हेड ऑफिस ही कर रहा, तो ये रिकॉर्ड करूंगा नहीं करूंगा? बिल्कुल करूंगा, डेटर टू कैश डाल दूंगा ना। ऑल द डेली कलेक्शंस आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस। इंडिपेंडेंट की खासियत होती है कि वो कैश अपने पास रखते नहीं है, जो भी सेल हो रही है वो सेम डे ट्रांसफर है। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है, थोड़ा बहुत कैश पेटी कैश रख लिया लेकिन मेजोरिटी 60,000 70,000 है तो वही सेम डे हेड ऑफिस को भेज। तो यही कह रहा है, ऑल द कलेक्शन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर नागपुर ब्रांच अकाउंट। हमें ब्रांच अकाउंट बनाना इन द हेड ऑफिस बाय डेटर्स मेथड, और ये आपको दे रखा है सारा डेटा और फिर सोल्यूशन। हमें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ओपनिंग बैलेंस, अच्छा ये साल कौन सा था कुछ लिखा था ऊपर वैसे? नहीं है ना, तो 2001 मान लेते हैं लिखा ही ओपनिंग बैलेंस। इंप्रेस्ट कैश होता है पेटी कैश, तो कितने रुपए का कैश का बैलेंस आता है? 2000। तो लिख दूंगा ना डेबिट साइड पे। अभी आप लिखना मत, मैं आपको पहले स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा फिर हम करेंगे क्वेश्चन। डेटर डेबिट साइड पे लिख दूंगा ना। स्टॉक जो कि दो है, ट्रांसफर्ड फ्रॉम हेड ऑफिस 24,000 का स्टॉक पड़ा है, हाँ तो लिख दो। और दूसरा कौन सा जो उसने डायरेक्ट परचेज करी है वो भी लिख दो भाई, सामान तो पड़ा ही है ना, और डायरेक्ट परचेज अल्टीमेटली ली तो वैसे तो कोई भी लेता, पर स्टॉक तो काउंट तो करा ही जाता है। तो टोटल स्टॉक कितने का हो गया बेटा? 40,000। अब आप कुछ बताइए, कैश सेल्स ब्रांच ने कैश सेल्स करी, रिकॉर्ड करूं आई मीन इसको, आई मीन इसकी एंट्री डालो, पहला स्टेप एंट्री नहीं, लेकिन मुझे इतना समझना पड़ेगा कि कैश का अकाउंट बना के ओपनिंग क्लोजिंग कैश तो लिखना ही है ना भाई, मतलब डेटा वेस्ट नहीं होगा। क्यों बोल रहे हो सर आप? ओ भाई अगर उसने कैश सेल करी है तो उसका कैश 45 आया, हमें हिसाब तो रखना पड़ेगा ना। ठीक है ना, तो हो सकता है कैश का लेजर भी बने कि ओपनिंग इतना इतनी कैश सेल रेमिट इतना करा, पता नहीं बनेगी। मैं देखेंगे क्रेडिट सेल्स एंट्री डलेगी कोई नहीं, लेकिन डेटर के लेजर में क्रेडिट सेल दिखेगी हो सकता है, क्योंकि डेटर का बैलेंस ही है ना क्लोजिंग। डायरेक्ट परचेजेस, डायरेक्ट परचेजेस में हम उसने क्या बोला था कि वो पेमेंट किसने करी था, रिकॉर्ड होगा है और क्या एंट्री डलेगी इसकी? ब्रांच क्या परचेज करने पेमेंट करी हेड ऑफिस में, तो एंट्री क्या डलेगी? हेड ऑफिस क्या डलेगी? ब्रांच टू कैश, ब्रांच टू कैश। समझ रहे हो, समझ पा रहे हो ना मतलब क्या चीज चल रही है? हाँ जी, स्टॉक फंड वो ना, वो लिखा वैसे वैसे ना करा था। स्टॉक दो है, एक तो जो हेड ऑफिस आया था और तो उसके डायरेक्ट परचेज, और ये क्या डायरेक्ट? ठीक है, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर नहीं आए क्योंकि ये कस्टमर और ब्रांच की बात है, लेकिन आपको डेटर के लेजर में तो इम्पैक्ट डालना पड़ेगा ना। गुड सेंट टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस आएगा, क्या एंट्री डलेगी? ब्रांच टू गुड सेंट टू ब्रांच, ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंस, कुछ पैसा भेजा मेरे 4,000 पकड़ दे आएगा, ब्रांच टू कैश।
खर्चा नहीं हुआ पर मैंने भेजा उसको। गुड, आ गया बस आपको समझ। बैड डेट्स बट डेटर के लेजर में आएगा क्योंकि मुझे क्लोजिंग बैलेंस अगर चाहिए। डिस्काउंट टू कस्टमर लेजर में ही आएगा भाई, ये कोई रेमिटेंस टू हेड ऑफिस दैट इज। हाँ हमें मिला है ना, तो ये तो ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का एंट्री डालू। कैश टू ब्रांच, और दूसरा क्या लिखा है, नॉट रिसीव, मतलब बेसिकली भेजा तो उसने 1.65 या 1.70, एक 70 भेजा, 1.65 मिल गया और 5 नहीं मिला। इसी पॉइंट को हमको डिस्कस करना है, बट अभी के लिए आपको कह रहा हूँ इसको भी आप रिकॉर्ड करते हो तो आप क्या एंट्री डाल दोगे, ब्रांच अकाउंट सॉरी कैश टू ब्रांच, कैश टू, बस उस कैश की जगह क्या बोला जाता है, कैश इन ट्रांसिट। ठीक है ना, बस इस पॉइंट पे एक जगह बस हम अटकेंगे अभी जब आगे चल के हल्का सा। ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस टेरिटरी होगी, ब्रांच टू कैश। क्लोजिंग बैलेंस आपको किस किस का दे रखा है भाई, स्टॉक दे रखा है 10,000, दोनों स्टॉक के बेटे ट्रांसफर, तो क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है मुझे, ठीक है। डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है, इंप्रेस्ड कैश पेटी कैश नहीं दिया हुआ। एक इंपॉर्टेंट बात दे रखी है नीचे वाला पॉइंट, ये भी अच्छा पॉइंट है, पेटी कैश एक्सपेंस 4,000 दे रखी, उसका 4,000 का खर्चा हुआ है। और नहीं पे तो कर दिए, पेटी कैश एक्सपेंस अगर बोल रहा है ना वो, तो मैं रिकॉर्ड करूं ब्रांच ने खर्चा करा तो। मैं इस पॉइंट को अभी सॉल्व कर देता हूं। ओपनिंग बैलेंस कितना आपका, 2,000। पहले हम ऐसा करते हैं इसका लेजर बना लेते हैं, ओपनिंग 2,000 का, हेड ऑफिस ने कितना भेजा होगा, टोटल कितना होगा, 6, कितना खर्चा कर दिया आपने, 4, तो बस कितना है, फर्स्ट थिंग 2,000। लेजर बन गया आपका, कैश का बोल रहे। लेकिन अब हम सोचते हैं कि हम डेटर्स वाले में क्या क्या डालेंगे, क्या मैं ओपनिंग डालूंगा, बिल्कुल ओपनिंग तो डलता है सर, और जो हेड ऑफिस ने उसको भेजा था उसकी क्या एंट्री डाली थी, कैश कैश 4,000 भेजे थे ना कैश ब्रांच टू कैश, तो देखिए जरा है क्या, बिल्कुल है ना। तुम्हारा क्लोजिंग कितना आया, कैश का, इंप्रेस्ड कैश का 2,000 दिख रहा है आपको। अब आपके दिमाग में आएगा किसी ने जो खर्चा करा वो क्यों डालू उसको, और तो उसने खर्चा करा ठीक है, उसी के बाद जो पैसे पड़े थे जो मैंने भेजा उसी से ही है ना, उसको थोड़ा ना डालूंगा। मैंने जब उसे कैश भेजा डाल दी ना मैंने एंट्री, एक बार आराम से सोचिए। मैं एक बार इधर से, मैं भी आपको पहले आप आराम से पेटी कैश का लेजर देखिए एक बार, लेजर समझ आ रहा, दो अच्छा हजार पे 4,000 आए, 4,000 खर्चा करा, 2,000 बच गया, ओपनिंग एसेट लिख दिया, क्लोजिंग एसेट लिख दिया, और जो हेड ऑफिस ने भेजे वो रिकॉर्ड करा मैंने, और उसके बाद अगर वो खर्चा कर रहा है मार्केट में जाके वो थोड़ा रिकॉर्ड करूंगा। आई हैव सेंड यू कैश, नो आपने जाके भाई जूस पी लिया उसको थोड़ा रिकॉर्ड कर लूंगा, वो तो आपकी और जूस वाले के बीच की ट्रांजेक्शन है ना, मैंने जब 4,000 भेजे मैंने रिकॉर्ड कर तो दिया, कन्विंस हो ना बच्चे। आपने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप चलाइए, जहां भी अटकोगे मैं अगर जरूरत पड़ी मैं खुद भी सॉल्व करूंगा, बट डेटा आपका ये है, एक बार कोशिश करो कि चीजें डालने की कोशिश करो। सबसे पहले क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ओपनिंग एसेट डाल दो सारे के सारे और क्लोजिंग भी डाल दो, जो मिसिंग है उसको छोड़ देंगे, पर पहले ओपनिंग और क्लोजिंग डाल दो। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है बच्चे,
मैं बनाऊं क्या? हाँ? अगर अटक रहे हो ना तो बता देना बेटा, मैं बना दूंगा। तो ये बस शॉप का मतलब ब्रैकेट में ऐसे 24 प्लस 16 कर सकता है, बट अलग कर दे अभी 24 प्लस 16 कर दे। वो तो तूने परचेजेस करी तो वो तो ब्रांच ने तो परचेज करी है तो उसकी तो वो एंट्री डालेगा ना, क्योंकि पेमेंट इसकी हेड ऑफिस ने करी थी, ठीक है ना? तो इसकी एंट्री क्या होगी? ब्रांच टू कैश। मैं बिल्कुल बना देता हूँ, एक बार बना देता हूँ, है ना? एक बार ना सपोर्ट मिलेगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है, आइए आराम से देखिए। एक ना डूब जाना बच्चे, मैं ही करा दूँ तो सही है, कहीं वो कुछ दिक्कत ना रह जाए। सर जी, हम ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं बकिंगम ब्रदर्स की, और मेरी इंटेंशन सबसे पहले ये है कि मैं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख दूंगा। क्या आप मुझे बताएंगे क्या क्या ब्रॉट डाउन में था? कैश था एक तो, इम्प्रेस्ड कैश कितने इतना रुपए, बहुत डेटर्स कितने के थे, 25,000। एंड प्लीज आपको एक चीज बता दूं, आप पहले से प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि सर जी हमको अगर डेटर्स बनाना है तो मैं साथ साथ ही यहाँ पे ब्रॉट डाउन मैंने क्या लिख दिया बच्चे, 25,000, ठीक है साहब? और क्या था बच्चे, स्टॉक है ना, वो 24 प्लस 16 था ना, 40,000, ठीक है साहब? और कोई एसेट था क्या सर? ओपनिंग 2025 24 प्लस 16 हो गया, इसका तो कैश सेल है। अब मैं सीधा क्लोजिंग पर आ रहा हूँ, क्लोजिंग के अंदर स्टॉक दे रखा है 10 प्लस 15 25, तो बेसिकली क्लोजिंग स्टॉक में बाय बैलेंस कैरेट डाउन 10 प्लस कितना था, 10 प्लस 15, दैट वाज 25,000। क्या मुझे डेटर्स दिए हुए थे? डेटर्स आई थिंक नहीं दिए हुए थे, है ना? क्लोजिंग बैलेंस में नहीं है। क्या मुझे इंप्रेस्ड कैश का बैलेंस दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, नहीं दिया हुआ। तो मैं इंप्रेस्ड कैश का लेजर बना रहा हूं, क्योंकि मुझे बैलेंस निकालने का है, जो भी क्वेश्चन मार्क है उसके मैं लेजर बना रहा हूं। ओपनिंग बताइए इसका कितना था, 2,000। उसके बाद आप मुझे बताइए हमारे पास कितना कैश आया, और 4,000, ठीक है ना? तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कैश अगर बढ़ गया था तो टू हेड ऑफिस लिख दो, या कैश रिसीव, कुछ भी, कोई अकाउंटिंग प्योर होनी चाहिए। आप मुझे बताइए उसके बाद आपने खर्चा कितने का करा? खर्चा 4,000 का हुआ था, पेटी कैश एक्सपेंस, अभी जेब से चला गया 4,000, और कैरेट डाउन कितना आ गया बेटा, 2,000। तो जैसे ही आया तो मैं इधर इम्प्रेस्ड कैश करके 2,000 तो लिख सकता हूं ना जी, क्लियर? सिर्फ एक हमारा बस बचा हुआ है, ये डेटर वाला, वो देखेंगे अब इंफॉर्मेशन कितनी दे रखी है क्या है। चलिए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हमने एसेट लिख दिए थे, अब कौन सा पॉइंट दिया हुआ था, कैश सेल्स, कैश को मैंने डाला था कहीं भी? क्यों नहीं डाला? क्योंकि सर वो कैश सेल तो ब्रांच और कस्टमर के बीच की बात है, ठीक है? अगला क्या था बच्चे, क्रेडिट सेल, क्या ये कहीं जाए, आई मीन पहले तो ब्रांच अकाउंट में जाएगा? नहीं, क्योंकि ये भी तो ब्रांच और कस्टमर के बीच का है, तो मैं रिकॉर्ड नहीं करूंगा। लेकिन सर जी डेटर का बैलेंस तो बढ़ेगा, कितने रुपए से बेटा, 1,20,000। चल डायरेक्ट परचेज, ब्रांच गया परचेज करने, तो नहीं। ये भी तो ब्रांच और क्रेडिटर के बीच में, लेकिन इसकी पेमेंट किसने करी है, किसने बोला ये ऊपर आप देखिए डायरेक्ट परचेज। अगर ये, अच्छा एक चीज बोलता हूँ, अगर इसने परचेज करी होती और सब्जी जैसे दिया होगा, इसको रिपोर्ट नहीं करता,
लेकिन इसने परचेज करी और पेमेंट किसने करी? हेड ऑफिस ने। तो हेड ऑफिस की एंट्री डालेगा, ब्रांच को डेटर बनाएगा, टू कैश करेगा। तो बेसिकली आप इसको लिखेंगे ब्रांच टू कैश, और ये काय बात की है जो डायरेक्ट परचेजर है उसकी पेमेंट कर लिए। कितना रुपये का चालू 40,000 था, 45,000। क्लियर है? ओके ओके सर जी। रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स 3,000, डेटर्स में आएगा सर जी वैसे। और रिटर्न अगर करे तो वो एंट्री क्या होती है? क्या एंट्री होगी? बाय सेल्स रिटर्न हो जाएगा ना 3,000, सेल्स रिटर्न टू डेटर हो गया ना। ओके अब क्या है सर? गुड सेंड टू ब्रांच, ये तो रिकॉर्ड होगा। ब्रांच टू गुड सेंड टू ब्रांच 60,000। देन ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंस, ये होगा बिल्कुल। तो ब्रांच टू कैश कितने रुपए? 4,000 फॉर पेटी कैश ट्रांसफर। मैं ये नहीं कह रहा कि उसने खर्चा करा इसलिए ना, खर्चा नहीं भी करे तो भी तो मैं इसको रिकॉर्ड करूंगा, मैंने भेजा है। सो दिस इज नॉट एक्सपेंस, दिस इज ट्रांसफर। 4,000। क्लियर है बच्चे? ओके अब क्या रह गया सर जी? बैड डेट्स। बाय बैड डेट्स 1,000 रुपीज। अब उसके बाद डिस्काउंट टू कस्टमर शेजी, बाय डिस्काउंट कितने रुपए था? 2,000। अब ये कितना रेमिटेंस करा उसने मुझे? एक 70 स्टेप बाय स्टेप ले लेते, एक 65 लिखा मैंने, तो मैं क्या एंट्री डाल दूंगा? बाय कैश 1,65,000 फर्स्ट, यही है ना सर? आप ऐसे लिख सकते हो बाय कैश जो कि तेरे को रिसीव हो गया 1,65,000, फिर दूसरा कैश इन ट्रांजिट 5,000, टोटल कितना आ गया तेरे पास? पैसा एक तो करना करके दिखानी पड़ेगा, सीधा 1,70,000 नहीं पर ऐसे करके इतना आगे इतना रास्ते। यहाँ तक क्लियर है बच्चे? ओके ब्रांच एक्सपेंस डायरेक्टली पेड बाय हेड ऑफिस, और क्या डाला उसको? ब्रांच टू कैश कितने रुपए? 30,000। ओके ब्रांच कैश 30,000। सेटे जी कहानी। अब क्या रहेगा सर जी? खत्म हो गया, क्लोजिंग बैलेंस आ गया और सारी आ गई मुद्दे की बात। जो है भाई सारी बात है तो डाल दी सर आ तू, लेकिन डेटर का बैलेंस तो नहीं आया। तो डेटर के बैलेंस में बाय बैलेंस कैरेट डाउन नहीं आया, और भी कुछ मिसिंग है क्या? अच्छा डेटर से कितना रिसीव हुआ ये आया? ध्यान से सुनिएगा मैं बोलूंगा। सर जी डेटर का ओपनिंग ये है, सेल इतनी है, डिस्काउंट दे दिया, बैड डेट। अरे सर मिला कितना? ओ बेटे मिला कितना मैं बताता हूँ आपको, आप मुझे बताइए आपने टोटल रेमिट कितना करा, ब्रांच ने भेजा कितना? 170, जिसमें से कितना कैश सेल्स थी? तो बचा हुआ कहां से निकाल कर आओगे? डेटर से ही आ रहा है आपका 1,00,000।
25,000। ये बच्चे 1,25 ही आ रहा है ना, समझ आया सबको? 1,25 कैसे निकला? 170। 170 आया दोस्त। टोटल ब्रांच ने उसको भेजा कितना? बिकॉज ब्रांच एवरी डे सारा पैसा भेजती है, जिस तो उसने भेजा कितना? 170। क्यों? हालांकि मिला 1,65 था, 5 रास्ते में था, पर ब्रांच ने तो पुश 170 कर दिया। और अगर 170 का पुश कराए, जिसमें से कैश सेल्स कितने की थी? 45। तो बची हुई तो डेटर से मिली होगी ना, नहीं तो और कोई कहानी है ही नहीं आपके पास, और कोई कहानी है ही नहीं आपके पास इसके अलावा। सर तो एक बार इसको ऐसे लिख सकते हैं, टोटल कैश रिमिटेड दैट इज 1,70,000। टोटल कैश तो 170 भेजा गया, जिसमें से कैश सेल्स का कितना पोर्शन था बच्चे? अच्छा तो जो बचा हुआ हुआ वो तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स ही होगा ना, दैट इज 1,25,000। और कुछ है ही नहीं, चेक कर लीजिए। अब मुझे बताइए, अगर ऐसा है तो सर क्या करना है इसका? कुछ नहीं करना भाई, क्या करना? डाल तो दिया यहाँ पे रेमिटेंस 1,70। बार बार थोड़ा ना उसको 1,25 को भी यहाँ दिखा दोगे, इसी के अंदर ही तो है वो सारे का सारा। क्या इस 1,70 की बाइफरकेशन यही नहीं है? 45 कैश है और 1,25 वो है। मुद्दे की बात ये है, डेटर का बैलेंस कितना आ रहा है? अच्छा ओके, 24,000 आपका बैलेंस आएगा। आप डेटर का बैलेंस यहाँ पे 24,000 दिखाएंगे, और इसके अलावा कोई बात रह नहीं गई। अब आप मुझे बताइए प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है? कितना नेट प्रॉफिट आ रहा है दोस्त? नहीं बच्चे, क्लियर है? तो कितना आ रहा है? 15 ही आ रहा है ना। डेटर का बैलेंस वैसे बना हुआ है, कैश का और वो मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? अगर आप क्लियर है विक्रम, नेट प्रॉफिट क्या है सर? हाँ जी, 15,000 का प्रॉफिट आया है। 15। हमने कौन सा मेथड करा? फाइनल अकाउंट मेथड करना आपने? आई एम श्योर करना ही है फाइनल अकाउंट। आज नहीं करना, कल करना। क्या होगा कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। अरे 5:30 बजे तक कोई यार खाने का अरेंजमेंट करवाया नहीं करवाया? करवाओ बात नहीं, मैंने कहा तुमने करा नहीं करा हमारे खाने के लिए? नहीं मैं भी बैठ जाऊंगा, तो कल आया ना बना, ढूंढ रहा था तेरे को यार। कर नीचे वो खाने के बाद ढूंढ रहा था बताने के लिए। चलिए, और छोटा सा पॉइंट है बेटे, आपको भी फील गुड फैक्टर आएगा। दो मेथड कर लिया है, सारा डेटा सेम है, और अगर उसी क्वेश्चन में वो बोले कि फाइनल अमाउंट से बनाओ, एक बार बताओ कई बार का लोड है? जो डेटा था आपका, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता है ना, वही कर रहा हूं मैं। अब भूल जाइए आप वो ब्रांच और उसका, भाई ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक कितने ज्यादा याद हो गए होंगे अब तो, 40,000। फिर उसने बाहर से भी परचेज करी थी और गुड्स भी आए थे, तो परचेज तो पूरी दिखाऊंगा। कितनी आ गई वो? 60,000 और 65,000। अब मुझे बताइए आपने सेल कितने की करी थी बेटे? कैश सेल करी थी 45 की, और ऑपरेट क्रेडिट सेल कर दी 1,30 की।
और भूलिएगा नहीं, रिटर्न भी था, समझ रहे हो, उसी डेटा को फाइनल अकाउंट्स में डाल रहा हूं बस। और आप मुझे बताइए क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ था 25, और कोई डेटा थोड़ा ना डाल दोगे, ट्रेडिंग बेडेड वेडेड थोड़ा जाएगा, यहाँ पे डिस्काउंट थोड़ा जाएगा, वो तो पीएनएल में जाएगा ना। पहले बताइए ग्रॉस प्रॉफिट के एंगल से क्लियर है, ग्रॉस प्रॉफिट के एंगल से क्लियर है। अब आप आइए जरा नेट प्रॉफिट में, ग्रॉस प्रॉफिट 52 आ जाएगा, बना लेंगे उसको घर पे आप बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। एक्सपेंस कितने करे थे उसने, 30,000 था या खर्चा, है ना, 30,000 था, मैंने उसको रिकॉर्ड कर लिया। डिस्काउंट दिया था आपने 2,000 का, बैड डेट हुए थे 1,000 के, पेटी कैश एक्सपेंस है ये, ट्रांसफर नहीं है, पीएनएल है ये, खर्चे दिखे जाते हैं आपको। 4,000 का खर्चा हुआ था उसका, लिख दिया, नेट प्रॉफिट आ गया आपका 15,000 का। सर जी कैश का ओपनिंग क्लोजिंग क्या करना है मेरे को, उसका पे वो एक्सपेंस वाली तो डाले ना, वो 30,000 जो डायरेक्टली ब्रांच ने पे करा था। करा था वो वाला, और ये 30,000 वो वाला है क्या? हाँ, तो चाहे वो भी खर्चे रिकॉर्ड करने हैं मुझे तो आप देखेंगे, नहीं ब्रांच एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस ही है, और चाहे वो ब्रांच खुद भी पे कर रहा होगा, भाई मैं तो प्रॉफिट लॉस निकाले में तो खर्चा तो लेता ना भाई, चाहे डायरेक्टली, अभी तो डायरेक्टली वाले हैं ये, बट अगर मान ली लिखा होता कि ब्रांच का खर्चा जो कि ब्रांच ने पे करा था, तो भी तो मैं लूंगा ना उसको, ट्रेडिंग पीएनएल का तो लूंगा ही, खर्चे ही तो रिकॉर्ड कर दूंगा। मुझे बताइए क्लियर है बच्चे? सर जी आपका डेटर्स मेथड और फाइनल अकाउंट्स मेथड एकदम डन है, अभी आपको कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी, नेक्स्ट क्लास में हम स्टॉक एंड डेटर करेंगे और भी आगे बढ़ाएंगे, फिर करेंगे बच्चे प्रैक्टिस, क्लियर है सर? ओके, तो जितना मैंने कराया बस उसको कर लेना बेटे एक बार, और फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे जी स्टॉक एंड डेटा। अब कितने बजे मिलेंगे बच्चे? क्या टाइम हुआ है? 1 बज गए, 1:15 पे मिलोगे? एक एक सबको डाउट है, नहीं सर नहीं, सबको टेस्ट में डाल देंगे, बता दो वो तो ले रहा हूँ कोई नहीं, उसमें आया कुछ नहीं, ऐसी कर लेंगे वो, हालांकि कहीं दिखा नहीं था, पर मैं नॉर्मल गेम की छोटा सा ही पॉइंट होता है, पर वो उसी से हो जाता है, तो चल ठीक है देखेंगे।